गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेटलमेंट ज्योग्राफी में यूनिट टू फर्स्ट टॉपिक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन और रूरल। तो आज हम लोग अर्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी दो क्षेत्र, कोई भी दो एरिया एक समान नहीं होते हैं, अंडरस्टूड है ये चीज़, तो है ना। और इंट्रोडक्शन क्लास में हमने ये भी देखा था कि कोई भी क्षेत्र एक समान नहीं होते हैं। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमने दो चीज़ों को समझा है, एक है रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। क्लियर है? तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन लाइक अर्बन एरियाज में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, कौन कौन फंक्शन मतलब कार्य, या फिर हिंदी में आप कहोगे तो कार्यात्मक वर्गीकरण, फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। तो नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, उसके अनुसार हम लोग टोटल 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर 7 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग टाउन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग टाउन। मैन्युफैक्चरिंग टाउन भी दो टाइप का होता है, एक प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टाउन। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टाउन, दीज टाउन्स मे बी पार्ट इंटू टू ग्रुप्स, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टाउन। इट इज़ डिवाइडेड इंटू अगेन टू पार्ट। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रोडक्शन टाउन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रोडक्शन टाउन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन। अब प्राइमरी प्रोडक्शन टाउन क्या होता है आप लोग बताओ, या फिर प्राथमिक उत्पादन क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, एनी आइडिया? ओके, जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ होते हैं, इट इज़ जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक फिशिंग, माइनिंग, या फिर फॉरेस्ट्री और लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक हम लोग कल ही हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखे थे कि डेयरी का, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम लोग ये सब फंक्शंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाउन। टाउन में ये सब काम होते हैं। ठीक है, फिशिंग भी होता है, आप लोग देखोगे कि पाउंड भी है कहीं पे, या फिर रांची में देखोगे तो बहुत सारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप जाके फिश ले सकते हो, फिश मार्केट जिसको कहते हैं ना। तो इसको अर्बन सेटलमेंट में ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, और ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक है जो कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टाउन, वो भी दो पार्ट में है, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन। ओके, प्राइमरी प्रोडक्शन फिशिंग, माइनिंग, उत्खनन, या फिर माइनिंग जिसको कहते हैं, फॉरेस्ट्री एंड लाइफ स्टॉक। और ये किस पे बेस्ड होते हैं? नेचुरल रिसोर्स पे बेस्ड होते हैं, नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन पे। एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन। एक और चीज़, माइनिंग टाउन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, झरिया, माइनिंग टाउन झरिया, बोकारो, कोडरमा, देन ऑयल प्रोडक्शन टाउन, ये सभी प्राइमरी प्रोडक्शन टाउन में आएंगे। ऑयल प्रोडक्शन टाउन डिगबोई, हम लोग इंडिया पेपर में ये चीज़ पढ़े थे, डिगबोई, अंकलेश्वर, नाहरकटिया इन इंडिया, लंबरिंग टाउन जिसको लकड़ी काटना, लकड़ी का जहाँ उत्पादन होता है, जहाँ पे लकड़ी के व्यवसाय होता है, वो है साइबेरिया में। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट पे अगर देखें तो साइबेरिया। फिशिंग टाउन की बात करें तो सेंट जॉन्स एंड अटलांटिक सी, ये सभी प्राइमरी प्रोडक्शन टाउन के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी जो कि
सेकेंडरी प्रोडक्शन टाउन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन. दीज टाउन्स आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स विच कैन डायरेक्टली बी यूज बाय कंज्यूमर. ये सब जो टाउन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन या फिर सेकेंडरी प्रोडक्शन टाउन, ये डायरेक्टली हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रॉ मटीरियल अगर क्लोथ की बात करें, रेशम की बात करें, तो डायरेक्ट आप लोग यूज़ नहीं करते हो, है ना. या फिर दूध, कल हम लोग दूध की बात करें तो दूध हम लोग पैकेट फूड यूज़ करते हैं. तो ये सभी चीज़, क्लोथ हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है, हम लोग इंडस्ट्रियल टाउन में रहते हैं. लाइक मैंने कहा था कि अभी हाल में हम सूरत विज़िट किए थे, तो सूरत में बहुत सस्ते रेट में, उसको इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है सूरत को, तो वहाँ पे इजीली क्लोथ अवेलेबल है. लेकिन प्राइमरी वो टाउन नहीं है, वो इंडस्ट्रियल टाउन है या फिर सेकेंडरी टाउन है. क्लियर है. देन सीमेंट. सीमेंट कैसे यूज़ होता है? जब तक लाइमस्टोन नहीं मिलेगा तब तक सीमेंट यूज़ नहीं कर सकते. तो लाइमस्टोन कहाँ पे मिलेगा? लाइमस्टोन का काम, जो माइनिंग का काम है, वो कहाँ होगा? लाइमस्टोन का काम प्राइमरी प्रोडक्शन टाउन में. सेकेंडरी प्रोडक्शन टाउन में सीमेंट का उत्पादन होगा या फिर सीमेंट के बारे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आयरन ओर. आयरन ओर वेरी गुड. हाँ, आयरन ओर प्राइमरी प्रोडक्शन टाउन में आएगा. एंड स्टील सेकेंडरी में. वेरी गुड. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन और फिर सेकेंडरी प्रोडक्शन टाउन में आएगा. ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल जमशेदपुर, भिलाई, बरौनी, कानपुर, मुंबई. दीज आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन और सेकेंडरी प्रोडक्शन टाउन. कोलकाता वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बर्मिंघम, शंघाई, पिट्सबर्ग एंड शिकागो. दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन. ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको हम व्यापारिक केंद्र भी कहते हैं. जो सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन टाउन. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और व्यापारिक केंद्र. और कमर्शियल टाउन, ऐसे नगर कहाँ पे होते हैं? जहाँ पर परिवहन की अच्छी सुविधा है. ये बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बहुत अच्छी है. कमर्शियल टाउन अगर आप एग्जांपल लोगे तो इसका कमर्शियल टाउन मुंबई, कोलकाता, जहाँ पे बड़े बड़े थोक में बाज़ार अवेलेबल है. कमर्शियल टाउन, इनका क्या काम है? इनका मुख्य काम, मेजर एक्टिविटीज़ है, ये जो प्रोडक्शन टाउन है, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है प्रोडक्शन टाउन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन, से सामानों को अपने पास रखना, एकत्रित करके दूसरे जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करना. क्लियर है. कमर्शियल टाउन क्या है? ये जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी टाउन एंड सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन, वो सारे सामानों को अपने पास रखना और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट करना दूसरे शहरों में. और इसका किस पे बेस्ड है? ट्रांसपोर्ट पे बेस्ड है. यहाँ पे परिवहन मुख्य होनी चाहिए. परिवहन के बिना ये कमर्शियल टाउन यूज़ नहीं हो सकता. कमर्शियल टाउन की बात नहीं की जा सकती है.
क्लियर है. थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सभी जितने भी बड़े बड़े शहर थे उसको कैपिटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में देखा गया. फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन अगर बात करें तो जहाँ पर सरकारी काम होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग बहुत सारे लोग गांव पे होंगे, घर पे होंगे. अगर आपको कुछ ऑफिशियल काम करना होगा या फिर आपको उसके लिए आपको शहर जाना होगा, है ना. शहर जाना होगा तो वैसे काम जहाँ पर प्रशासनिक काम होते हैं और जहाँ पर राजनीतिक काम हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो रांची इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और पॉलिटिकल टाउन. और यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, यहाँ पर आधुनिक यातायात होगी, यातायात की सुविधा बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन ईजिली अवेलेबल होगा. देखो जो जो रांची में सबको नेटवर्क इशू नहीं है, लेकिन जो बच्चे गांव में हैं तो उनके साथ नेटवर्क इशू है ना. तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होंगे, कम्युनिकेशन अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे होंगे और जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो इसी टाउन में मिलेंगे आपको. और ऐसे नगरों की संख्या, ऐसे टाउन की संख्या कुछ कम होती है और इनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पेरिस, मॉस्को, जिनेवा, वॉशिंगटन. जिनेवा क्यों फेमस है? जिनेवा क्यों फेमस है? एनी आइडिया? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? और वॉशिंगटन DC क्यों फेमस है? वॉशिंगटन DC क्यों फेमस है? किसका कैपिटल है? विश्व में सबसे विकसित देश कौन सा है? डेवलप्ड कंट्री किसको कहा जाता है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रम्प कहाँ बैठते हैं? ट्रम्प का ऑफिस कहाँ है? होमवर्क है आपका ये, ठीक है. पॉलिटिकल टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट पे आप अपना खोज के मुझे कल बताओ, ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कल्चरल टाउन. कल्चरल टाउन जो कि सांस्कृतिक क्षेत्र जिसको कहा जाता है, कल्चरल टाउन या फिर सांस्कृतिक नगर, वो बेस्ड ऑन रिलीजन, एजुकेशन, इस पे बेस्ड होता है. जितने भी भारत की अगर बात करें तो जितने भी धार्मिक स्थान हैं, आप लोग एग्जांपल बताओ जिसका संबंध कल्चर से है. वेरी गुड. बनारस एंड सो बनारस गया. वेरी गुड. कल्चर टाउन है. हाँ, हिस्ट्री भी इसमें ऐड है. हिस्टोरिकल टाउन, ये सभी कल्चरल टाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है. केदारनाथ वो तो एक प्लेस है, टाउन पूछ रहे, टाउन. उत्तराखंड इज स्टेट. हरिद्वार सुने हो? Yes, ma'am.
ऋषिकेश, ये सारे टाउन से जो कि कल्चरल टाउन में आएंगे। ये तो इंडिया की बात हो गई। अगर वर्ल्ड की बात करें तो कल्चरल टाउन जो कि फेमस फॉर रिचुअल्स और रिलीजन, मक्का मदीना, मक्का मदीना, फिर जेरूसलम, और इसी में एजुकेशन टाउन्स भी आएंगे, एजुकेशनल टाउन्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशनल टाउन्स कौन कौन से हैं? वेरी गुड, कोटा, और बनारस को भी आप एजुकेशनल टाउन के नाम से जानते हो। बनारस सभी चीज़ के लिए, उसको कल्चरल टाउन में हम लोग रखेंगे, ठीक है। एजुकेशनल टाउन दिल्ली, मुंबई, देखो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सभी चीज़ के लिए फेमस है। चाहे आप जितना भी कैटेगरी अर्बन एरिया का जितने भी क्लासिफिकेशन करो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो ये सभी जितने भी इंडिया के लेवल में है, ये सभी इस पे आएंगे, ठीक है, कल्चरल टाउन। नेक्स्ट है रिसोर्ट सेंटर और मनोरंजन केंद्र। रिसोर्ट सेंटर और मनोरंजन केंद्र वैसे जगह पे जहाँ पर आप थोड़ा लेजर पीरियड के लिए, थोड़ा घूमने के लिए आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल गोवा, गोवा, और कुछ एग्जांपल बताओ, आप लोग बताओ मनोरंजन के। पुरी को हम लोग कल्चर टाउन में रखते हैं, पूरी भी जाते हैं कल्चर टाउन में, उसको मनोरंजन का क्षेत्र। और कौन सा है रिसॉर्ट टाउन? कुल्लू मनाली, वेरी गुड। और ऊटी, ओके, ये सभी क्षेत्र। अच्छा ठीक है, दार्जिलिंग रिसॉर्ट टाउन या फिर मनोरंजन के नगर कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट टाउन और परिवहन नगर। फॉर एग्जांपल आपको जाना है शिमला कुल्लू मनाली, ठीक है, शिमला जाना है, तो उसके लिए आप लोग कैसे जाओगे? रांची से अगर जाना हो तो हम रांची टू दिल्ली, उसके बाद रांची से बस। एक और चीज़, ट्रांसपोर्ट टाउन वैसे टाउन को कहा जाता है जहाँ तक फॉर एग्जांपल ट्रेन की बात करें, यहाँ रांची से आप दिल्ली जाओगे ट्रेन से, फिर दिल्ली से कालका तक ही ट्रेन अवेलेबल है आपको, ठीक है। उसके बाद कालका से शिमला जाने के लिए आपको कोई बस पकड़ना होगा, तभी आप जा सकते हो। तो कालका इज़ अ ट्रांसपोर्ट सेंटर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके विदेशों से निर्यात आयात हो रहा है, ठीक है, बाय वाटरवेज, पानी जहाज के थ्रू आपके पास आयात निर्यात का काम हो रहा है, लेकिन आपके पास पहुंच कैसे रहा है? जितने भी पोर्ट्स है उसको हम ट्रांसपोर्ट टाउन कहेंगे, जहां पर ट्रांसपोर्ट, कोई एक ट्रांसपोर्ट आके रुक जाती है, उसके बाद आपको दूसरे जगह जाने के लिए दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होता है, उसको ट्रांसपोर्ट टाउन कहा जाता है। क्लियर है? और लास्ट है डाइवर्सिफाइड टाउन और मिश्रित नगर। डाइवर्सिफाइड टाउन और मिश्रित नगर, ऐसे क्षेत्र, ऐसे शहर जहाँ पे सभी तरह के काम होते हैं, चाहे वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होती है, कल्चरल एरियाज होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी होते हैं,
इसको हम डाइवर्सिफाइड टाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करें तो चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सभी डाइवर्सिफाइड टाउन। अगर आप झारखंड की बात करें तो रांची इज़ अ डाइवर्सिफाइड टाउन। क्लियर है? तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन में टोटल 7 टाइप्स के टाउन हैं। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन टाउन, सेकेंड वन इज सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, फोर्थ कल्चरल टाउन, फिफ्थ रिसोर्ट टाउन, सिक्स्थ ट्रांसपोर्ट टाउन एंड सेवेंथ इज डाइवर्सिफाइड टाउन। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके।